दोस्तों, आज है सोलन का दूसरा दिन है। आज हम निकलने वाले हैं शिमला के लिए। कल हम इमरजेंसी में यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स व्हाई हमें यहाँ रुकना पड़ा। अच्छा हुआ जो रुके, क्योंकि मार्केट कर ली, मार्केट यहाँ की बहुत औसम लगी है। एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद हम निकल जाएंगे शिमला के लिए। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के। ऐसा ना, मैं डायरेक्ट नीचे लैंड हो जाऊं। यार मॉइस्चराइजर की थोड़ी सी कमी लग रही है। तुम आग ले लो, कमी ने कहीं क्या। मेरा मास्क तुम मुझे नहीं देते ना, है मेरे पास मॉइस्चराइजर, पर तुमको दूंगी नहीं कमी ने। हेलो, तो आए थे यहाँ दिल्ली फूड हब में हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। पास में ही पड़ जाता है, होटल के पास में ही माल रोड भी है, होटल के पास में ही हमें ये रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट था होटल का। एंड हमारा होटल ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं था, दैट्स व्हाई हमें व्यू यहाँ से अच्छा नहीं मिल रहा था। और एक्सपेंसिव होटल में जाएंगे तो 2000 रुपीज के पर रूम्स पर पड़ेगा। यहाँ का 1200 रुपीज पर रूम था। एंड यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ते ही यहाँ पे आ जाता है काउंटर। एंड क्योंकि हम इमरजेंसी में आए थे तो हमें जो मिला हम उसी में स्टे कर रहे थे। एंड ये जो आप थैला देख रहे हो ना, नो गाइस, मैं क्या बताऊँ, इसमें हमने 150-150 रुपए के लिए हुए ये वुलन स्ट्रक्स ना रखे हुए थे। एंड मेरा बीपी लो हो गया था चाय पीने के जस्ट बाद कुछ देर में ही। एंड हमें निकलना था शिमला, तो हमें आधे रास्ते में याद आया कि मैं जब मेडिकल स्टोर पे रुकी थी दवा लेने के लिए, तब हम वहीं पे भूल आए इन्हें। एंड फिर मैं यहाँ पे सो गई थी ताकि मुझे और डिप्रेशन ना हो। फिर हम पहुंचे फाइनली शिमला। एंड यहाँ पे सोलन से ज्यादा ठंडा था। एंड यहाँ पे मेरे हाथों में ग्लूकोज की बोतल, आप लोग देख सकते हो, पानी में मिक्स कर रखा था ताकि मेरा बीपी सही रहे। बट पूरी ट्रिप पर लिटरली मेरा बीपी एकदम डाउन रहा है, बहुत परेशानी हुई मुझे। एंड यहाँ पे हम लोग होटल का वेट कर रहे थे, फाइनली जाके होटल मिला। एंड यहाँ पे भी हमें 4:30 बजे होटल मिला है। आधा घंटा हमने रेस्ट किया, उसके बाद रेडी होकर हम 5:30 बजे तक अभी बाहर निकले हैं माल रोड के लिए। एंड यहाँ पे भी शिमला की माल रोड पास में ही है मार्केट। एंड अभी मैं नेचुरल लाइट में, आप लोग मेकअप देख सकते हो कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है, कितना ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी कैसे किया। एंड यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न खा रही थी, भूख लगी हुई थी। एंड उसके बाद यहाँ पे भाई मुझे फोटो नहीं क्लिक करने दे रहा था, दैट्स व्हाई मैं गुस्सा कर रही थी। एंड यहाँ पे मेरा आउटफिट देख के लुक बताना कैसा लग रहा था कमेंट में। फिर हम जा रहे थे माल रोड के लिए। एंड यहाँ पे ये मंकी ना किसी की आइसक्रीम छीन के खा रहा था। एंड ये चर्च रोड है, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आई। एंड यहाँ पे कुछ ये इस तरह से लगा हुआ था अंदर मेले टाइप सा छोटा सा, ठंडा बहुत है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना इतना एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। फर्स्ट टाइम मैंने हॉर्स राइडिंग ट्राई करी। सीरियसली बताओ तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बट उतना भी ज्यादा नहीं। जब हॉर्स चलने लगा तो इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। एंड बहुत मजा आई, बहुत अच्छा लगा। फिर निकल गए थे थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड कुछ भी इतना खास दिखा नहीं यहाँ से, तो कुछ लिया भी नहीं है। एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी था, इसलिए कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि लेने लायक भी है, क्योंकि इतना तो यहाँ भी मिल जाता है। एंड ये कुछ शॉल्स थी, स्टॉल थे जो निकिता ले रही थी, इसने जो कैप लगा रखी है ये मैंने भी ट्राई करके देखी थी। मुझे लग रहा था कि फोटो क्लिक हो रही है, बट यहाँ पे वीडियो बन रहा था मेरा मोबाइल। फिर वापस से हम चर्च रोड पे गए थे। एंड यहाँ पे काफी सारी रील्स बनाई, बहुत मजा आई। किसी ने बताया था कि नीचे साइड भी मार्केट है, बट बिल्कुल भी सही नहीं थी, वैसी ही मार्केट थी जैसे ऊपर थी। फिर हम यहाँ से ही पास में एक रेस्टोरेंट में गए थे, जहाँ पे हमने कुछ सूप वगैरह पिया क्योंकि ठंडा इतना ज्यादा था, उसमें मजा आई। फिर हम होटल जाकर सो गए थे। एंड ये सबसे बेस्ट पिक हम 3 यारों की।